हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लखनऊ समझौता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है मुस्लिम लीग समझौता, लखनऊ समझौता, या 1916 में हुआ था, किसके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था? तो ये आंसर है जिन्ना और तिलक के प्रयासों से, जिन्ना और तिलक। मुस्लिम लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं, 1916 मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता कह लीजिए, मुस्लिम लीग समझौता, ये सब 1916 में ही हुआ था। मुस्लिम लीग समझौते के साथ इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि इसमें उग्रवादियों को, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, मतलब वो जो सूरत फूट हो गई थी उसके बाद ही पुनः प्रवेश दिया गया। और 1916 के जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ए सी मजूमदार थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये 1916 का ही कथन था तिलक का। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया था, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल पुनः एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से ये किसने कहा था ये कोटेशन, तो बार गंगाधर तिलक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो मजूमदार, एसी मजूमदार हो जाएंगे, मजूमदार। आगे देखते हैं, किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? तो तिलक ने करवाया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहां पर किए थे? लखनऊ में किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम नेता के बीच मैतक के काकाल निम्नलिखित में से कौन था? 16 से लेके बी ऑप्शन 22 तक। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1916 से लेके 22 ईस्वी तक का जो काल है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक्य का काल माना जाता है। वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। कांग्रेस द्वारा लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन में भी इन दोनों दलों के नेताओं ने साथ मिलकर जो है ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी को सौंप दिया गया, परंतु 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हो गए और साथ ही कांग्रेस व लीग के मध्य हुआ जो समझौता था वो भंग हो गया और लीग पुनः अपने पुराने सांप्रदायिक रास्तों को तरफ मुड़ जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।